इस संसार में आने के बाद प्रत्येक मनुष्य की एक ही इच्छा होती है कि उसे जीते जी संसार के समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति हो और उसके मरने के बाद उसे मोक्ष मिले। क्या ऐसा किसी मनुष्य के लिए संभव है? बहुत सारे मनुष्यों को जीवित रहते हुए उन्हें केवल दुख मिलते हैं और मरने के बाद उन्हें मोक्ष भी नहीं मिलता है। शिव पुराण में भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली 10 बातें बताई गई हैं। नमस्कार मित्रों, द डिवाइन टेल्स पर आपका फिर से स्वागत है। नंबर 1, धन संग्रह। हम सभी जानते हैं कि इस संसार में निवास करने वाले प्रत्येक मनुष्य के लिए धन कमाना कितना महत्वपूर्ण है। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य को हमेशा अच्छे और सत्य मार्ग पर चलकर ही धन कमाने की कोशिश करनी चाहिए और उसका संचय करते रहना चाहिए। कमाए हुए धन को सबसे पहले उसे 3 भागों में बांट लेना चाहिए। इसका पहला भाग धन वृद्धि में लगाना चाहिए, दूसरा भाग धार्मिक और दान पुण्य के कार्य में लगाना चाहिए और तीसरा और अंतिम भाग अपने जीवन यापन के लिए खर्च करना चाहिए। नंबर 2, क्रोध और गुस्से का त्याग करना। शिव पुराण में कहा गया है कि मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के मन में क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन बोलने चाहिए। किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध को माना गया है। इंसान अपने क्रोध और गुस्से में कई बार ऐसी बातें कह देता है जिसका बाद में उसे बहुत पछतावा होता है। जिस प्रकार धनुष से निकला वाण कभी वापस नहीं होता, उसी प्रकार मुख से निकला वचन कभी वापस नहीं हो सकता है। इसलिए कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए और ना ही क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन बोलने चाहिए। क्रोध से मनुष्य के विवेक का नाश होता है और विवेक के नष्ट होने से जीवन में अनेक प्रकार के कट उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य का जीवन कष्टकारी हो जाता है। नंबर 3, भोजन का उपवास। जिस प्रकार मनुष्य को भोजन से शक्ति मिलती है, ठीक उसी प्रकार एक दिन का उपवास करने से मनुष्य के अंदर शक्ति का संचार होता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य को सप्ताह में कम से कम एक दिन उपवास अवश्य करना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि यदि आप सप्ताह में एक दिन उपवास नहीं रह सकते तो कम से कम शिवरात्रि का व्रत जरूर रखें। इससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। शिवरात्रि का व्रत करने से व्यक्ति को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है और उसे महान पुण्य की प्राप्ति माना जाता है। अच्छे कर्मों से भाग्योदय होता है और व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नंबर 4, संध्या काल का समय। शिव पुराण के अनुसार सूर्यास्त का समय अर्थात संध्या का समय भगवान शिव का समय माना गया है और इस समय भगवान शिव अपने तीसरे नेत्र से त्रैलोक के अर्थात तीनों लोकों को देख रहे होते हैं और वे अपनी नंदी और समस्त शिवगणों के साथ ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे होते हैं। इसलिए किसी भी मनुष्य को इस समय अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म अर्थात पूजा पाठ, सत्संग, दान पुण्य इत्यादि जैसे कर्म। यदि कोई मनुष्य इस संध्या के समय किसी को कटु वचन बोलता है, किसी से झगड़ा करता है, सहवास करता है, भोजन करता है, कोई पाप कर्म करता है तो उसे भारी हानि होती है और कई कष्टों को सहना पड़ता है। नंबर 5, सदा सत्य बोलना। शिव पुराण में कहा गया कि हमेशा सच बोलो, क्योंकि सच बोलना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। सत्य हमेशा विजयी होता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी हार नहीं सकता। सत्य बोलने वाला व्यक्ति शांत रहता है, जबकि असत्य बोलने वाले का मन हमेशा विचलित होता रहता है। असत्य बोलना या असत्य का साथ देना सबसे बड़ा अधर्म माना जाता है। नंबर 6, निष्काम कर्म ही करना। निष्काम कर्म उसे कहा जाता है जिसके पीछे हमारा कोई निजी हित या निजी स्वार्थ ना जुड़ा हो। याद रखिए, दूर तक हमेशा वे ही कर्म हमें फायदा देते हैं। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य को किसी भी कार्य को करते समय केवल स्वयं के कर्मों का साक्षी बनना चाहिए। मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। किसी भी मनुष्य को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि उसे कोई नहीं देख रहा है। आपके कर्म को आपके साथ साथ कोई और भी देख रहा है जिसे आप नहीं देख पा रहे हैं। मनुष्य को कभी भी मन, वचन तथा कर्म तीनों से कोई गलत कर्म नहीं करने चाहिए। किसी भी परिणाम की इच्छा किए बिना किया जाने वाला निष्काम कर्म कहलाता है। मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके फल प्राप्ति पर। यदि कार्य करने से पहले ही परिणाम के बारे में सोचने लगेंगे तो कार्य कभी भी नहीं कर पाएंगे। नंबर 7, अनावश्यक इच्छाओं का त्याग करना। हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण हमारी अनावश्यक इच्छाएं ही होती हैं। हमें अनावश्यक चीजों का त्याग करना चाहिए। मनुष्य की अनैतिक इच्छाएं जैसे क्रोध, वासना, ईर्ष्या, अहंकार इत्यादि को जन्म देती हैं और यही हमारे मन को विचलित करती हैं।
जो व्यक्ति इस मोह के जाल में फंस जाता है वह अपने जीवन को तहस नहस कर लेता है। अतः व्यर्थ कामनाओं के त्याग से ही परम सुख की प्राप्ति होती है। नंबर 8, मोह का त्याग करना। शिव पुराण में कहा गया है कि इस सृष्टि के प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी वस्तु अथवा किसी परिस्थिति से मोह जरूर है। यह मोह उसके दुखों का सबसे बड़ा कारण है। मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को सांसारिक मोह माया का त्याग करना जरूरी होता है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से मोह हो जाता है और यही मोह उसके अंदर पीड़ा को जन्म देता है। मोह मनुष्य के अंदर उसके विवेक को जगने नहीं देता और मोक्ष प्राप्ति के लिए यही मोह का त्याग आवश्यक है। नंबर 9, सकारात्मक कल्पना करना। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य जैसी अपनी जिंदगी में कल्पना करता है, अर्थात जैसी सोच वह रखता है वैसा ही बन जाता है। शिव पुराण में सपने को भी कल्पना की संज्ञा दी गई है। भगवान शिव जी कहते हैं कि मनुष्य के द्वारा की गई कल्पना उसके ज्ञान से भी अधिक महत्व रखती है। जो व्यक्ति जैसा सोचता और कल्पना करता है वो वैसा ही हो जाता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखें और जब भी करें अच्छी कल्पना ही करें। नंबर 10, पशु नहीं आदमी बनना। शिव पुराण के कथन के अनुसार मनुष्य तब तक हिंसक पशु के समान है जब तक उसमें ईर्ष्या, द्वेष, वैर, अपमान, मोह आदि प्रवृत्तियां हैं। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य एक अजायब घर के समान है और इसके अंदर प्रत्येक प्रकार के पशु पक्षी के सारे गुण अवगुण विद्यमान होते हैं। इंसान का मन सबसे ज्यादा भटकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह हिंसक पशुओं के आचरण को त्याग करे। मनुष्य को इससे मुक्ति पाने के लिए ध्यान और भक्ति के मार्ग को अपनाना चाहिए, तभी मनुष्य परम सुख की प्राप्ति कर पाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।